नित्य वृंदावन, ये नहीं कि द्वापर से ही प्रकट हुआ, ऐसी बात नहीं, ये नित्य। जैसे श्रीमद् भागवत में लिखा गया आठवां स्कंद में कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के कहने पर इस ब्रह्मांड में भी वैकुंठ में है, वो श्वेत द्वीप है। जो सप्त द्वीप में श्वेत द्वीप है वो भगवान श्री विष्णु का निजालय वैकुंठ श्वेत द्वीप। इस पृथ्वी पर कभी भी कुछ गड़बड़ी होता है तो देवता लोग श्वेत द्वीप की यात्रा करते हैं, वहां पर भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो रमया पार्थ माना है अष्टमा स्कंद में है कि लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने पर भगवान ने श्वेत द्वीप में वैकुंठ किया। उसी तरह जब भगवान को अवतार का समय आता है भगवान, तो जो गोलोक है उसी गोलोक को अवतरण कराते हैं इस वृंदावन। ये जो वृंदावन है ये वृंदावन भगवान की नित्य विहार भूमि, आज भी लीला चल रही है। हम लोग जड़ बुद्धि हैं, जड़ वस्तुओं का संग करते हैं, जड़ व्यक्तियों का संग करते हैं और अनादि काल से अपराधी जीव हैं। कृपा जी किशोरी जी कृपा करके वृंदावन वास दे दिए हैं, लेकिन हमारा ऐसा संस्कार नहीं, इसलिए हम लोगों को ये जड़ वस्तु दिखता है। यहाँ तक महाराज, यहाँ वृंदावन में जो कोई भी है इनमें थोड़ा सा भी दोष नहीं है, ऐसा प्रिया जी की लीला भूमि है, लीला पात्र है। अब किससे कौन लीला करा रही है वो जाने, लेकिन हम लोग जो अपना शंका करके मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, ये कितनी दुर्भाग्य दुर्भाग्य की वस्तु है। यहीं पर कहते हैं कि काय मन और वाक्य से भी ब्रजवासी स्थावर जंगम के प्रति भी जड़ बुद्धि होना भी भगवत भक्ति का सबसे बड़ा बाधा। अपने मन से शरीर से वाणी से भी यदि किसी में दोष दिख गया बस नष्ट हो गया, अर्थात जो लीला दर्शन होना चाहिए होगा नहीं। ये लीला प्रिया जी की लीला जो चल रही है, अभी यदि लीला नहीं चले दिखे, इसीलिए आचार्य लोगों ने ग्रंथ लिख दिया, अपना अनुभव प्रकट कर दिया कि तुम यदि उस लीला में प्रवेश करना चाहते हो तो इस माध्यम से जाओ। ये एक माध्यम बना दिया, ऐसे 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 चिंतन करो वहां पर पहुंच जाओ। असली बात है कि अभी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जहां बैठे हैं, जिस ये सब लीला चल रहा है, ये जितनी भी वृंदावन में जो कुछ वस्तु है सब लीला भूमि है, लीला चल रहा है। अभी प्रिया जी यहाँ है हमारे साथ हैं, ऐसी लीला चल रही है, ये हमेशा भावना हमेशा करना। जथा हरिदसे मन स्वयं अनुकन से धाव, जिस वृंदावन के प्रभाव से ब्रजाश्रयी संत महात्माओं के माध्यम से मन सदैव उस लीला में स्मरण करता रहता है। राधा पदांक विलसन मधुरस्थली, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली। अब आप ही बताइए 84 कोष में कोई ऐसा जगह है जहां प्रिया जी की विहार स्थली नहीं है, कहीं भी देखिए वृंदावन है, राज्य है, नंदगांव है, कामतन है, लीला चलता है। वृंदावन 84 कोष ऐसे है ना, तो ऐसे है वृंदावन ऐसे। अब यहाँ से जाने में दूर हो गया, लेकिन प्रभु को जाने में दूर, अब काम बन जाना है बस, काम बन ही यहाँ आ जाता है। ये कमल का फूल है ना, कमल के पुष्प कर्णिका, ये 84 कोष ब्रजमंडल कैसा है तो कमल के फूल की कर्णिका है। अभी ठाकुर जी गोवर्धन में हैं, गाय चराण करते करते खामा पहुंच गए, भोजन थाली में भोजन करें, फिर राधा कुंड आना है, नित्य वृंदावन वृंदा राधा पदांक विलसन मधुर स्थली की लीला स्थली है ठाकुर जी की। हमारा मन इसके अतिरिक्त कहीं न जाए। वृंदावन के निभृत निकुंज में प्रिया लाल का जो विहार चल रहा है उसके अतिरिक्त मन कहीं न जाए। मन वाणी और शरीर तीनों को एक साथ मिला है, शरीर से कहीं न जाए, वाणी से भी वृंदावन लीला भूमि की गान छोड़ करके अन्य हम मथुरा की गान नहीं करेंगे, द्वारिका का नहीं करेंगे, अन्य लीलाओं का गान नहीं करेंगे, हमारा मन वृंदावन में ही रमता रहे।
वृंदावन की लीला स्थलियों में मन लगा रहे, बस इसके अतिरिक्त और कोई चाह नहीं। वृंदावन के वृक्षों पर जो पशु पक्षी हैं ये भी साधारण है, यहां पर पक्षी राधा राधा नाम लड़ते रहते हैं, कीर्तन करते रहते। वृंदावन में क्या होता है तो कीर्तन चलता है, कौन कीर्तन करता है तो पशु पक्षी कीर्तन करते हैं, राधा 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 ये कीर्तन चल रहा है। पक्षियां क्या गाती हैं तो राधा नाम का संकीर्तन करती है, हरे कृष्ण राधा श्याम कुशली। जब प्रेम प्रकट होता है तो प्रेम का स्वभाव है, ये स्वभाव बन जाता है कि यहाँ के पक्षी कितने बड़भागी हैं। भागवत में बेड़ू गीत में गोपियां कहती हैं, अरे सखी देखो तो सही, ये हिरणिया कितनी भाग्यशाली है। जब नंद नंदन श्री कृष्ण प्यारे श्याम सुंदर अपने अधर पर बंसी धारण करते हैं तो ये हिरणिया अपने मोटे मोटे नेत्रों से देखने लगती, एक गोपी कहती अरे सखी देखती नहीं है, ये अपने नेत्र कमल को प्यारे श्याम सुंदर के चरण पर अर्पित कर देती, हमको प्रेम प्रेम चिल्लाते, प्रेम है, प्रेम तो इन हिरणियों को। एक सखी कहती अरे सखी तो वृंदावन की हिरणिया, ये देखो देखो आकाशचारी देवता लोग प्यारे श्याम सुंदर के मुख से जब बंसी वादन होता है उसको सुन करके इनकी रमणिया अपने पति के साथ ही ब्रजमंडल के आकाश पर आ जाती, आती ही नहीं है, वंशी को सुन करके उनके मन में ऐसा उत्कट अभिलाषा होता है कि तुरंत अपने पति के साथ रहते हुए पति का भान भूल जाती है, प्यारे श्याम सुंदर के मिलने के लिए दौड़ आती है। गोपियों से पूछा जाता है कि तुम लोगों को कृष्ण प्रेम है तो ना हमको प्रेम कहाँ है, प्रेम तो हिरणियों को है, प्रेम तो जमुना को है, प्रेम तो यहाँ के पेड़ों को है, प्रेम तो पक्षियों को है, प्रेम तो गैया को है, हमको प्रेम नहीं, तुमको क्या है तो हमको काम है। गोपियां कहती है इसीलिए वेदों में लिखा गया है कि गोपियों को प्रेम को ही काम नाम से कहा, काम्याद गोपिया ऐसा लिखा गया है ना, इनका काम ही प्रेम नाम से। जैसे श्री कृष्ण को गोपन गोपियां करती हैं वैसे गोपियों का भी गोपन उनका प्रेम करता है, क्योंकि प्रेम होने के बाद ये प्रेम एक ऐसा देवता है उसको छिपाना पड़ता है, उसको प्रकट कर देंगे तो उड़ जाएगा। प्रेम का मतलब ही हमेशा छिपाना है, छिपाना, प्रेम को जितना छिपाए उतना प्रेम बढ़ता है, यदि प्रकट हो जाए तो बह जाता है। इसीलिए गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम को हमेशा गोपन करती हैं, कृष्ण को भी गोपन करती हैं और अपने प्रेम को भी गोपन करती हैं, दोनों काम है। श्री कृष्ण वृंदावन में किस लिए आया है, आए थे तो छिपने के लिए आए थे, यही तो आए थे, वो तो मथुरा में थे, यहाँ पर क्यों आए तो छिपने के लिए आए, किस क्या छिपने के लिए आए कि हम भगवान नहीं है हम आदमी। तो जब प्रभु छिपना चाहते हैं तो उनका प्रेमी भक्त डबल और छिपा देता है। गोपियों से पूछा जाता है कि कृष्ण भगवान है तो कहते हो तो आदमी भी नहीं है, वो क्या है, वो तो चोर है, और डबल पर्दा डाल देती, लंपट है, ये सदाचारी दुराचारी है, श्री कृष्ण को कहते हैं ये लंपट है, ये है गोपियां। गोपियां अपने को भी छिपाती हैं और प्यारे को भी छिपाती हैं, अपने प्रेम का भी रक्षण करती हैं और उनको भी छिपाती, ये प्रेम का स्वभाव है। यहाँ पर पेड़ पौधा पौधा जो पशु पक्षी हैं ये भी अपना आहार यही राधा रानी के जस का गान करते रहते हैं, राधा जसो मुखर मत खगा बनी, खग कहते हैं, ख माने आकाश, अग माने गच्छति, जो आकाश में चलता है उसको खग कहते, खगावली। ये पक्षी समूह जो है ये प्रियालाल के दिव्य गुण गणों का गान करते रहते, बस बस ये तीन चीज है।
यहाँ के वृक्ष लता को प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी अपने हाथ से संवारती हैं। प्रिया जी वृंदावन के 84 कोस ब्रजभूमि के अंतर्गत जितना भूमि है ये प्रियालाल का विलसन मधुर स्थली है, प्रियालाल का विहार स्थली है। और वृंदावन के वृक्ष लताओं में पक्षी जो गान करते हैं वो राधा जसों राधा रानी के जस का गान करते हैं। बस अब हमारा मन वाणी और शरीर ये तीनों इस को छोड़कर अन्यत्र कहीं न जाए। राधा बिहार विपिने रमता मनो में, हे मेरा मन हे भैया मन तुमसे यही प्रार्थना है कि बिहार स्थली को छोड़ करके तू अन्यत्र रमण मत कर। मैं मन विपिने रमता, हमारा मन इस विपिन में इस वृंदावन की लीला भूमि में बस गान करे। यहाँ के कोयल कुकू नहीं करता है, यहाँ का कोयल कृष्ण कृष्ण करता है। कोयल कोकिलापन है ना, जावट के पास कोकिलापन है, तो कोकिलापन में प्यारे श्याम सुंदर राधा 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 कर सब लोगों को तो कुकू की आवाज आता है। प्रिया जी वहां सुनती है कि मेरे नाम का घोषणा कर रहे ठाकुर जी। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के मुख से निकली राधे राधा नाम को सुनकर के घर में रह नहीं पाती, निकल जाती। ये लीला है राधा पदांक विलसन मधुरस्थली। एक गोपियां बार बार इसी चिंतन में रहती हैं, हमारे हृदय को प्रेम बात से बीत गए। गोपी गीत में है ना, प्यारे श्याम सुंदर जब निकल जाते हैं तो गोपियां प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का चिंतन करती हैं। कैसे चिंतन करती, कैसे समय बीतेगा, प्रेमियों का समय कैसे बीतता है। बस बिरह है ना, बिरह बिलन से श्रेष्ठ बिरह है, क्योंकि बिरह में ये गोपियां गाती हैं दिन परीक्षे नील कुंतलई बन रुहाननम बिभ्रदावृतम। ये चिंतन है गोपियों का समय कैसे बीत रहा है। देखिए विरह एक क्षण भी भारी है, एक क्षण भी श्री कृष्ण के विरह में गोपियों को संभालना कितना कठिन है। खैर ये हम लोग ये अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। जुगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायतम, अपने प्यारे के दर्शन के बिना एक पल ऐसे पलक जो गिरता है ना उतना जुग के समान। और गोचारण के लिए प्यारे श्याम सुंदर जाते हैं उस समय गोपियां अपने विरह को कैसे संभालती हैं। गोपी गीत में कहते दिन परीक्षे नील कुंतलई बन रुहाननम बिभ्रतावृतम घनरजस्वलम दर्शयन् मुहो मनसि न स्मर बीरजक्षति। श्रीमद् भागवत में मिलन थोड़ा है, विरह अधिक। राज पंचाध्याय में देखिए पहला अध्याय दूसरा अध्याय, पहला अध्याय में थोड़ा सा मिलन है, केवल विरह विरह। दो श्लोक में केवल मिलन है, 29 में मिलन विरह, 30 में भयंकर विरह, 31 में विरह, 34 में थोड़ा सा मिलन, नोक झोंक
33 में थोड़ा सा मिला है, एक ही पंच अध्याय, पांच अध्याय में देखिए पीड़ा, ये गोपियां कर रही है, भीड़ 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 है, कृष्ण कौन है, भीड़, अरे भीड़ ठाकुर जी गोपियों को, गोपियां नाम तीन परिचय नील कुंतल है, सायंकाल में नील केश पास से आवृतम, नील कुंतल आवृतम, ये प्यारे श्याम सुंदर का रूप विरह में बनाती है गोपियां, मानस पूजा है ना, आठ प्रकार की पूजा है, उसमें एक श्रेष्ठ पूजा है मानस पूजा, गोपियां श्री कृष्ण के रूप बनाई है अपने मन में, कैसा रूप बनाई है, हे वीर दीन परिचय, परिचय लास्ट दिन के लास्ट में रात्रि, आपका दिन भर विरह के भयंकर आग में जलती जलती हम आपके एक विग्रह तैयार किए, वो कैसा विग्रह है, तो नील कुंतलई आवृतम, नील केशों से आवृत मुखमंडल, अरे भाई कृष्ण बहुत काले थे, उनका केश पास बहुत काला, इतना काला केश था कि उस केश के आगे उनका मुख, उनका रूप गोरा लगने लग गया था, नील कुंतले आवृत, कैसा उनका मुखमंडल है, तो घन रजस्वलम, देखिए महापुरुष लोग कहते हैं कि ठाकुर जी के श्री अंग पर चंदन है, गोपियां कहती हैं घन रजस, गाय के चरण से निकले हुए धूल से उनका मुंह मंडित, वन रुह आननम जस्य, जंगल में चलते चलते गैया के चरण से उड़ी धूल से जिनका मुखमंडल आवृत हो गया, ये जी मानसिक रूप है श्याम सुंदर का, केस पास से आच्छादित मुखमंडल है, उस पर भी गैया के धूल से उनका मुखमंडल आवृत है, वैसा रूप भगवान धारण किए, विभ्रतम वैसा धारण किए, उच्चारण करते समय गोपियां ठाकुर जी के इस रूप को याद कर रहे हैं, वही मुह दर्शन बार बार उस रूप का दर्शन करते, घना घना घन रजस्वलम दर्शयन मोह, बार बार दर्शन करते हुए न मनसि स्मरम जंक्षसि, हमारा मन बार बार उस रूप का ध्यान कर रहा है, देखिए यदि प्रेमी महात्मा इस श्लोक को गा नहीं पाए, श्री गौरांग महाप्रभु श्लोक सुनते हैं बेहोश होकर गिर जाते हैं, राधा भाव विभावित श्री गौरांग महाप्रभु जब इस श्लोक को सुनते, गोपियों के श्री मुख से प्यारे श्याम सुंदर का मुखमंडल का वर्णन, नील कुंतलई आवृतम घन रजस्वलम वन रुहाननम विभ्रदम मुह दर्शयन न मनस स्मर मन जक्षति, हमारा मन बार बार उसी रूप को ध्यान कर रहा है कि गैया के पीछे पीछे प्यारे श्याम सुंदर आ रहे हैं, उनका काला काला केश से आवृत मुखमंडल चमक रहा है और उसके ऊपर भी गैया चराने चलने में पसीना आ गया है, अब पसीना के कारण उन धूल उनके मुंह पर लग गया है, इस रूप का ध्यान कीजिए, राधा विहार विपिने रमता मनो में, ये राधा रानी का विहार है, क्या विहार है गोपी गीत प्रिया जी, विरह में एक गीत गाई, हमारे हृदय को प्रेम बाण से विध देने वाले प्यारे श्याम सुंदर का मुखमंडल हमारे नेत्र के सामने बार बार मुह मुह बार बार दर्शन कर रहे, ये प्रिया जी एक बार प्यारे श्याम सुंदर के लिए पुष्प चयन कर रहे हैं, कहीं भी वृंदावन में पुष्प दिखता है तो किशोरी जी के मन में यही आता है इसको तोड़ो प्यारे श्याम सुंदर,
हम लोग बाजार में जाते हैं, कोई वस्तु मिलता है तो क्या मन में आता है? जो जिसे आप प्यार करते हैं उसके मन में आता है, वो उसके लिए ले जाए। स्वाभाविक है, मन का स्वभाव है। जिससे आप कोई भी वस्तु आपको मिले, माँ को यदि कोई खाने के लिए वस्तु मिलता है तो मन में यही संकल्प करती है, हमारा बच्चा को मैं दे दूँ, उसको अच्छा लगता है। उसी तरह जिसको जिससे प्यार है, प्रिया जी जब ब्रजभूमि में भ्रमण करती हैं और भ्रमण करते करते कोई पुष्प दिख जाता है तो तुरंत मन में आता है इसको तोड़ो और प्यारे श्याम सुंदर कर दो। प्रिया जी ऐसे अपने सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी और भ्रमण करते करते पुष्प दर्शन हुआ तो पुष्प को देख करके मन में अभिलाषा हुई कि इसको तोड़ो और प्यारे कर दो, लेकिन बहुत ऊंचा है कैसे तोड़ो। प्रिया जी के मन में संकल्प हुआ, प्यारे श्याम सुंदर तुरंत प्रकट हो गए और उस वृक्ष को नभा ले, ये कोई देख नहीं रहा। प्रिया जी का सच्चा सेवक प्यारे श्याम सुंदर। प्रिया जी के मन में जो कुछ भी उठता है, कुछ भी, क्योंकि यहां तक सुख सुखिया लीला है, सुसुख तो है नहीं। प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के लिए हैं, प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के लिए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए हैं, दोनों महबूब हैं एक दूसरे के लिए। आश्रय अवलंबन है और विषय अवलंबन दोनों एक दूसरे। प्रिया जी पुष्प को देख करके मन में अभिलाषा हुई कि इसको तोड़ करके प्यारे श्याम सुंदर को दूं, प्यारे श्याम सुंदर को रहा नहीं गया। प्रिया जी अपने हाथ को बढ़ाई पुष्प चयन करने के लिए, पुष्प ऊंचा है, एक क्षण के अंदर प्यारे श्याम सुंदर आकर उस डाली पर चढ़ जाते हैं, तुरंत झुका लेते हैं। प्रिया जी उसको पकड़ करके तो प्रिया जी तोड़ने लगती है, नटखटी श्री कृष्ण। प्रिया जी खूब अच्छे से उस डाल को पकड़ करके पुष्प चयन कर रही है, उसी तरह प्यारे श्याम तुरंत छोड़ते। रूप गोस्वामी की भी कथा है ना कि ऐसा चिंतन कर रहे थे, हंसी हंसी हो गया रूप गोस्वामी को, अपना लग गया प्रिया जी लटक गई, उसमें तो रोना है या पकड़ना है, हंसी आ गई अपराध लग गया। वो अपराध कहाँ आ गया तो उस लंगड़ा आ गया, फिर अपराध से किशोरी जी में थोड़ा सा भी अपराध भगवदा अपराध हो गया। अब कोई मंजरी से प्रिया जी लटक गई और रूप गोस्वामी पाद हंस दिए तो अपराध लग गया, और अपराध हो गया तो लीला तुरंत उल्लंघन भगत आ रहा था, वो सोचा कि वो मुझको देखकर हंसे हैं, लीला डाउ तो प्रिया जी ऐसे लटक गए। सखियां आई, सखियां देखी और श्याम सुंदर विनोदी प्यारे श्याम सुंदर, सखियां डांटती हैं, पशु संग जे जन्म गमावल से की बुजुर्ग रत्ती रंगे, अरे तू क्या प्रेम करने जाता है, गैया के पीछे हीयो हीयो कहकर चलने वाला प्रेम कोई समझे, अनाड़ी कृष्ण प्रेम क्या समझेगा। गोपियां उनको डांटती हैं, प्रेम तुम करने आते हैं तुझको प्रेम करने आएगा। आचार्य चरण लिखे हैं कि श्याम सुंदर पासा खेल रहे हैं और पासा में हार जाते हैं, तो मंजरियां कहती हैं कल से पासा खेलने मत करना, तुम गैया चरा रहे हो, तुम बुद्धि का काम मत करना, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं। अरे भाई कृष्ण ये भगवान जिनके एक संकल्प से संपूर्ण जगत पलता है, पालन होता है, संहार होता है, उनको मंजरियां डांटती हैं, ये रस को देने के लिए गौ रहे थे वो भी। यहां सुकुमारी स्वामी शाखा सहित ऊपर उठ जाती है, झुकाए और उठ गए और झूलने लगती है, डर कर पुकारने लगती है, ललिते ललिते, कितनी बड़भागी ललिता है। भगवत रसिक जी कहते हैं कि निकुंज में जब प्यारे प्रिया जी हमको नहीं देखती हैं तो भगवत भगवत कहकर चिल्लाने लगती हैं, कहाँ गई कहाँ गई। अरे भाई सब दासियां अपना अपना सुख, सब दासियों के मन में अभिलाषा ऐसा हो जाता है, एक सेकेंड भी हमको नहीं। उसी तरह जब प्रिया जी लटक गई तो प्रिया जी ललिते ललिते चिल्लाने लगी, अरे ललिते
श्याम हाथों से ताली बजा बजा करके हंस रहे हैं, ये तो विनोद है। ललिता ललिता कह करके ललिता फिर डाढ़ झुकाई, स्वामी जमीन पर पैर टिका के किंकरी रूप में श्रीपाद देख रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस लीला का किंकरी रूप में दर्शन कर रहे हैं। मधुर पादांग से वृंदावन का भूमि, ये वृंदावन कितना बड़भागी है। वृंदावनम सखी भुवो विदनोति कीर्ति, जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। वेदगीत में गोपियां का हरी सखी इस भूमंडल पर सबसे बड़भागी वृंदावन भूमि है, जिसके छाती पर प्यारे श्याम सुंदर का पद अंकित रहता है। कितना बड़भागी वृंदावन, हरी सखी इस वृंदावन ने कौन सा ऐसा तपस्या किया जिसके छाती पर प्रियालाल का पद चिन्ह हमेशा अंकित रहता है। ललिता सखी दौड़ कर जाती हैं किशोरी जी को अपने बक्ष से उनके चरण को लगाती हैं और लगा करके नीचे रखती हैं। इसे क्या बड़भागी, क्या उनकी शोभा बढ़ाई लीला के माध्यम से इसका अनुभव किया। श्रीपाद ने पुष्प शयन शयन हो चुका, प्रिया जी पुष्प शयन कर सकी, एक रत्न वेदी पर बैठ करके पुष्पालंकार से सुशोभित सखी मंजरियां आई तैयार करती। इस सखी मंजरियों का क्या काम है, पुष्प चयन करना और पुष्प चयन कर करके प्रियालाल को बैठाना रत्न वेदी पर। सुख सारिका बैठी हैं, राधा 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 नाम का संकीर्तन करती हैं। राधा पदांक बिलसन मधुरस्थली के, सुख सारिका राधा नाम का संकीर्तन करती हैं। सखी मंजरियां उल्लसित होती हैं। साधक निष्ठ भक्त इस लीला का स्मरण करता है, प्राणों में बराबर यह लालसा जागृत रहती है। उस लीला का अवलोकन मैं कब करूंगी, कब ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि प्रियालाल को रत्न वेदी पर बैठाऊं। कबे हेम दशा हवे सखी संग पाव, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ऐसी अवस्था मुझे कब होगी कि अपने सखियों के साथ ललिता विशाखा तुम विद्या इंदुलेखा अष्ट महासखी अष्ट मंजरियों के साथ रह करके, और प्रिया जी अपने हाथ से जो पुष्प चयन की हैं, अपने हाथ से वृक्ष लता को झुकाना फिर पुष्प चयन करना माला बनाना, वृंदावन फूल गाथी दोहा के बराबर। ये सोच प्रियालाल के गले में माला पहनाऊं, प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी गलबहिया देकर के रत्न वेदी पर बैठे हैं, दोनों एक दूसरे को रूप रस का पान कर रहे हैं। देखिए प्रिया और प्यारे श्याम सुंदर एक साथ बैठते हैं तो उनका दृष्टि प्यारे श्याम सुंदर की दृष्टि प्रिया जी पर, प्रिया जी की दृष्टि प्यारे श्याम सुंदर पर, और सखियां सम्मुख रहिया कबे चामर डुलावा, उनके सामने रहकर मैं कब सेवा कर। ए अगर चंदन गंध दोबे अंग दिव सखिर आज्ञा कवि तांबुल जुगाव, ऐसा भाव सिंदूर तिलक कवि दोहा के बराव। ये भाव यहाँ पर सब इस माधुरी का हमेशा अवगान करना, ये भक्तों की ऐसा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
पावन श्री हरिनाम महाराज की, श्री श्री निकुंज बिहारी की, श्री श्री गृंद बिहारी बिहारी सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। आप लोग कितने बड़भागी हैं, आचार्य चरण के मुंह से रोज रस का पान करते हैं, अद्भुत अलौकिक। हम कितने दुर्भागा हैं, उस रस से वंचित हैं।